हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में जल्द ही प्रदेश का पहला टूल रूम खुलने जा रहा है, जिसके लिए उद्योग मंत्रालय की ओर से ऊना में अत्याधुनिक टूल रूम की स्थापना के लिए 17 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरोली के बाथू बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिए 17 करोड़ के टूल रूम वर्कशॉप को लेकर 25 नवंबर को कांगड़ा की जनसभा में घोषणा की थी। प्रदेश औद्योगिक निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में जल्द ही प्रदेश का पहला टूल रूम खुलने जा रहा है, जिसके लिए उद्योग मंत्रालय की ओर से ऊना में अत्याधुनिक टूल रूम की स्थापना के लिए 17 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरोली के बाथू बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिए 17 करोड़ के टूल रूम वर्कशॉप को लेकर 25 नवम्बर को कांगड़ा की जनसभा में घोषणा की थी। प्रदेश औद्योगिक निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने इसकी पुष्टि की है। राम कुमार ने बताया कि 22 जनवरी को विशेष बैठक में इस परियोजना को स्वीकृति मिली है। ऊना में स्थापित उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये परियोजना स्वीकृत की गई है। पहले इस तरह की कोई सुविधा न होने के चलते उद्योगपतियों को किसी भी प्रकार के टूलिंग कार्य के लिए लुधियाना, बटाला, दिल्ली या फरीदाबाद जाना पड़ता था, परंतु इस टूल रूम की स्थापना होने के बाद उद्योगपतियों को यांत्रिकी संबंधित कार्यों के लिए जिला से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें उद्योगों की सभी जरूरतें जैसे कटिंग, बोरिंग, लेंथ वर्क, सीट प्रेस, वेल्डिंग, डाई निर्माण इत्यादि के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। बाथू बाथड़ी में स्थापित होने वाले इस पूर्ण टूल रूम के साथ एक आधुनिक टेस्टिंग लेबोरेटरी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसमें पढ़े लिखे युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऊना में स्थापित होने वाले इस पूर्ण टूल रूम के साथ एक आधुनिक टेस्टिंग लेबोरेटरी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। इसमें पढ़े लिखे युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्योग विभाग की माने तो प्रदेश में पहला टूल रूम खुलने से प्रदेश में उद्योगों के निवेश में भी फायदा होगा। ये बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने, उद्योग विभाग ने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था भारत सरकार को टूल रूम का। 17 करोड़ 32 लाख का ये प्रोजेक्ट है और 22 तारीख को जो भारत सरकार में MSME मिनिस्ट्री में जो मीटिंग हुई उसमें इस प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल दे दी गई है। जिला ऊना में जैसा कि आप जानते हैं कि औद्योगिक प्रगति के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट सोलन के बाद जिला ऊना जो है नंबर 2 है, जहां पे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अगर हम देखें, लेकिन अभी तक जितनी भी यहाँ इंडस्ट्रीज थी इनके लिए कोई भी जैसे कोई टूलिंग कार्य इन्होंने करना था, कोई इनका कोई डाई का निर्माण करना है, कोई टूल का काम करना है, कोई शीट कटिंग करनी है, कोई प्रेस का काम करना है, कोई बोरिंग का काम करना है, या कोई भी इनकी जो इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स जितनी भी थी मशीनरी की, वो अभी तक जिला ऊना में इस तरह की कोई फैसिलिटी थी नहीं, जिसके कारण सारे उद्योगपतियों को या तो टूल रूम लुधियाना जाना पड़ता था या बटाला जाना पड़ता था या फरीदाबाद या दिल्ली जैसी जगहों पर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से जो यहाँ बड़े उद्योग जो हैं इंजीनियरिंग बेस्ड स्पेशली जो उद्योग हैं वो जिला ऊना का रुख करने से डरते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के आने के बाद इस प्रोजेक्ट में सारी टूल रूम की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसमें अत्याधुनिक मशीनरीज लगाई जाएंगी, जिससे सारा का सारा जो उद्योगों का जो टूलिंग का जो कार्य है, जितना भी इनकी इंटरनल चाहे डाई निर्माण का कार्य हो, कोई मशीनरी रिपेयर का कार्य हो या कोई नई डाई का निर्माण करना हो, तो वो सारे कार्य जो है अब जब ये टूल रूम स्थापित हो जाएगा तो जिला ऊना में ही उद्योगपतियों को ये सुविधा मिलनी आरंभ हो जाएगी, जिससे ना केवल जो हमारे जो उद्योग यहाँ पे स्थापित है उनको फायदा होगा, लेकिन हम इस टूल रूम की स्थापना के बाद नया निवेश भी जिला ऊना में आकर्षित करने में कामयाब होंगे। भारत सरकार के MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मंत्रालय द्वारा हरोली के बाथू बाथड़ी में जो टूल रूम दिया गया है, ये हरोली समेत पूरा ऊना जिला के औद्योगिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 17 करोड़ इसके लिए स्वीकृत किया गया है। ये जो पूरी योजना है ये तब बनाई गई जब प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी हरोली प्रवास पर लगभग 2.5 साल पहले आए थे, तो बाथू की एक जनसभा में जब यहाँ के लोग, यहाँ के उद्योगपति उनसे मिले तो ये मांग उनसे की थी। अगस्त 2018 को इसकी DPR हिमाचल सरकार ने मंजूर की और बाद में केंद्र को भेजा। 12 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक स्वीकृति दी और अभी 22 जनवरी 2020 को अंततः केंद्र सरकार ने 17 करोड़ के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। यहां तक इसकी विशेषताओं की बात है, इस प्रोजेक्ट के द्वारा, इस टूल रूम के द्वारा
हमारे हरोली में ही बाथू बाथरी में ही इस टूल रूम के द्वारा बोरिंग, कटिंग, लेथ वर्क, प्रेस, स्टील प्रेस और इसके अलावा टूल मेकिंग का काम यह होगा। इससे पहले इस काम के लिए इंडस्ट्री के लोगों को बटाला, अमृतसर, लुधियाना या फरीदाबाद इत्यादि स्थानों पर जाना पड़ता था, अब ये सारी सुविधा यहीं मिलेगी, इस टूल रूम से एक और फायदा ये होगा कि यहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी होगा और एक मॉडर्न लेबोरेटरी भी यहाँ बनेगी, जिसका और फायदा हमारे इंडस्ट्री को मिलेगा। साथ में हमारे सैकड़ों नौजवानों को प्रशिक्षण देने में भी ये सहायक सिद्ध होगी।